गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द वेट ऑफ प्योर H2O2 in a given sample of H2O2 may be expressed in terms of percentage weight, that is gram liter inverse or gram 100 ml inverse। इस तरह से आप परसेंटेज बाय वेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब क्या बोलेंगे, दस फाइव परसेंट H2O2 सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम means that 5 gram of H2O2 is present in 100 ml of solution। ये हो गया मीनिंग ऑफ 5% H2O2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट एंड इन ग्राम लीटर इनवर्स इज 3.035% and 30.35 gram liter inverse respectively। अब ये हम लिखे, ये हम कैसे करेंगे कैलकुलेट वो हम बता रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज टू मोल्स ऑफ H2O2 को आपने जब हीट किया ये बन गया 2 moles ऑफ वाटर प्लस ऑफ O2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 into 34, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 into 34 मतलब 68 gram ऑफ H2O2 हमें दे रहा है 32 gram ऑफ ऑक्सीजन और 22400 ml ऑफ ऑक्सीजन, इतना ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि सिंस 22400 ml ऑफ
O2 gas is obtained from 68 gram of H2O2. Therefore, 10 ml of O2 gas is obtained from 68 divided by 22400 into 10 gram of H2O2, which means 0.03035 gram of H2O2. Therefore, 100 ml of H2O2, 100 ml of H2O2 contains 3.035 gram of H2O2. 100 ml of H2O2 contains 3.035 gram of H2O2. Hence, concentration of 10 volume Hence, concentration of 10 volume of H2O2 solution. Hence, concentration of 10 volume of H2O2 solution is 3.035% weight by volume, or concentration or a strength of 10 volume of H2O2 solution is 3.035 × 10, which is equal to 30.35 ग्राम लीटर इनवर्स. यानी ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसका ये कैसे आया, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है जो बहुत सिंपल है. मोल कॉन्सेप्ट वाला लॉजिक है जो आप इसको याद भी कर सकते हो. अगर याद नहीं है तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो. तीसरा और जो लास्ट टर्म हमारा है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी. In terms of normality, ये कैसे होता है. मान लो आपने रिएक्शन लिया 2H2O2 is giving 2H2O प्लस ऑफ O2. तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 68 ग्राम H2O2 हमें 32 ग्राम O2 दे रहा है. मतलब कि 32 पार्ट बाई वेट ऑफ O2 are obtained from 68 parts by weight of 68 parts by weight of H2O2. Therefore,
8 part by 8 part by weight of O2 are obtained from 68 by 32 into 8, which is equal to 17 parts of weight of H2O2. Simple mole concept. Therefore, what we can say? Ki equivalent weight of H2O2 is equal to 17. Hence, we can say that one normality is equal to equivalent weight per liter, that is 17 gram per liter is equal to your one normality. Therefore, normality of 10 volume H2O2 solution, normality of 10 volume H2O2 solution is equal to a strength of 10 volume of H2O2 solution in gram liter inverse divided by equivalent weight of H2O2. तो स्ट्रेंथ हमारा कितना आया था जो हम निकाले थे पहले 30.35 जो हम पहले निकाले थे कितना आया था हमारा 30.35 by equivalent weight अभी कितना निकाले हम 17 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.785 नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा ये 1.785 नॉर्मेलिटी कुछ इसमें और भी इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलास हैं जिसको आपको आना चाहिए सब मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर हैं जैसे मुझे पता है कि 2H2O2 इज ब्रेकिंग इनटू 2H2O प्लस O2 ये हमारा दे रहा है 2 मोल और ये हमारा दे रहा है 1 मोल तो हम क्या बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ O2 देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 लीटर ऑफ O2 देयरफॉर 1 मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 लीटर ऑफ O2 एंड 1 नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू 11.2 बाय 2 which is equal to 5.6 liter of O2 or we can say as
5.6 वॉल्यूम ऑफ O2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, जो एकदम पूरा एकदम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। चैप्टर वन में मैंने आपको ये बताया था। अगर हम दूसरा बात कर रहे हैं और कि टू मोल्स ऑफ H2O2 इज गिविंग 2H2O प्लस O2, मतलब 2 × 34 ग्राम ऑफ H2O2 इज गिविंग 22.4 लीटर। मींस इसको हम लिख सकते हैं कि 17 ग्राम लीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 नॉर्मेलिटी एंड दिस इज इक्वल टू 5.6 लीटर ऑफ O2। मतलब सब में आपको मैं निकाल दिया रिलेशन, जिसमें क्वेश्चन पूछे O2 का पूछे, H2O2 का पूछे या नॉर्मेलिटी का पूछे, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा H2O2 है वो O2 भी बनता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2, जो कितना हो जाएगा 22.4 n फैक्टर होता है इसका 4, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.6 लीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि 1.7% ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 17 ग्राम लीटर इनवर्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 लीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ O2। ये हमारा एक और रिलेशन आ गया सब में, H2O2 का परसेंटेज में, ग्राम लीटर इनवर्स में, लीटर में, सब में। नेक्स्ट इसको और हम सिंप्लीफाई में क्या लिख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ H2O2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 17 ग्राम ऑफ H2O2। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100 ml ऑफ H2O2 इज इक्विवेलेंट टू 1.7 ग्राम ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 1.7% ऑफ H2O2। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं कि 1.7% ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 17 ग्राम लीटर इनवर्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ O2 एट STP। इसका मैंने पहले प्रूफ करा दिया था यहाँ पर, ये वाला। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। अगर हम दूसरी की बात करें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2
is equal to volume of O2 at STP. ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि 3% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्क्ड एज 10 वॉल्यूम H2O2 और लास्ट में 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो ये सब के सब आपको हमने ऊपर में मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व